यार इन लोगों के पास गुरूर नहीं है, आप भीख मांग कर दूसरे से उधार लेकर फिर भी गुरूर कर रहे हो, लानत तो आप जैसे उनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद आजम, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हाल ही में बारिश की वजह से बलूचिस्तान सेन केपी के शदीद मुतासर हुए हैं, जो कुछ इलाके हैं वो सैलाब की जद में आए हुए हैं। किसी के पास रहने में मकानात नहीं, किसी के पास रहने में जगह नहीं, जिन लोगों के पास कुछ भी था, कुछ भी हो, जो बेड बकरियां और सब पानी बहा के लेके गया है जो बारिश की वजह से, जो सैलाब की जद में आए हुए हैं उन लोगों के लिए, जो बाकी कंट्री हैं, यूएई है, जैसा यूएस है, तुर्की है, ईरान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने तक मदद किया है इन लोगों के लिए, मगर जो हमारे हुकूमत है ये अपने अवाम को कुत्ता समझ के बैठा हुआ है। हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे सामान फेंक रहे हो कि ये उठा लो ये उठा लो। यार वो आपका अवाम है, अवाम के साथ इस तरह नहीं करते हैं, कुत्तों के साथ इस तरह करते हैं, कुत्तों के साथ इस तरह करते हैं यार, कुत्तों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं, अवाम के साथ नहीं। जो कुत्ता होता है अभी आप लोगों के पास, जो कुत्ता है वो आपके अपने गोद में बैठे हुए उनको खाना खिलाते हो आप लोग, वहाँ ऊपर से सामान फेंक रहे हो यार ये लो ये उठाओ, कुत्तों के साथ ऐसा करते हैं, ये अड्डी लो पकड़ो खाओ, अपने अवाम के साथ नहीं करते हैं। यार लानती हुकूमत करप्ट, कब जागोगे आप? उठ के देखो, घरों से निकल के देखो यार क्या हो रहा है वहाँ बलूचिस्तान में, सिंध में, केपके में, लोग शदीद परेशान हैं, शदीद मुतासर हुए हैं पानी की वजह से, बारिश की वजह से, उन लोगों की मदद करो। आप लोग अपने घर बैठकर दूसरों को हुक्म दे रहे हो तो ऊपर से जाकर सामान फेंको उन लोगों के लिए, इस तरह कोई करता है यार? यहाँ इमारत में भी बारिश हुआ है, वहाँ अफगानिस्तान में बारिश भी हुआ है, वहाँ के जो वजीर है वो खुद जाकर बारिश में पानी के अंदर कीचड़ों के अंदर जा रहा है, अपने अवाम के हाल पूछ रहा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यूएई का, वो खुद घर घर जा रहा है, अवाम से पूछ रहा है कि आप लोगों का क्या क्या नुकसान आते हैं, उनके पास बकायदा पर्ची भी है, पेन भी है, वो लिख रहा है कि क्या क्या नुकसान आते हैं, वो सारे अपने एक एक करके बता दें। यार ये होता है हुकूमत, ये होता है मुल्क बनाने वाला, ये खुद खुद अपने हाथों से जो कीचड़ी है, जो मिट्टी वगैरह है, पानी घरों से निकाल रहे हैं, अपने घर बैठकर दूसरों को ऑर्डर कर रहे हो कि जाओ ये सामान ऊपर से फेंक दो, ये जो कुत्ते लोग हैं वो उठाएंगे, अपने अवाम को ही कुत्ता बनाया। यार ये क्या मजाक है यार, क्या मस्करा है, अभी जागो यार, अभी अपने घरों से निकलो। ये जो इमदादी सामान है, ये जो सामान आप लोगों के पास आए हुए हैं, ये आपने खुद नहीं दिए हुए, ये दूसरे कंट्री ने दिए, इमारात ने दिए, तुर्की ने दिए, ईरान ने दिए। यार इन लोगों के पास गुरूर नहीं है, आप भीख मांग कर दूसरे से उधार लेकर फिर भी गुरूर कर रहे हो, लानत तो आप जैसों को। ये जो आप लोगों को उधार दे रहे हैं, ये जो आप लोगों को भीख दे रहे हैं, इन लोगों को गुरूर नहीं है। जो आप लोग भीख ले रहे हो, जो आप लोग उधार ले रहे हो, आप लोगों के पास गुरूर है। यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो आया करो, अभी तो जागो यार, देखो अपना अवाम को कितना जलील है, कितना ख्वार है, अभी उन लोगों को आप लोगों की जरूरत है। मगर फिर भी ये जो सामान है आप लोग बाहर से ऊपर से फेंक रहे हो, वो सामान उन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, वो सारे फट रहे हैं नीचे, खराब हो रहे हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। जो यूट्यूबर्स वगैरह, जो आम अवाम है, जो सामान इकट्ठा कर रहा है अपने इलाकों से, अपने घरों से, वही सामान उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यही सामान उन लोगों को मिल रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक उन लोगों को। ये क्या मसला है यार आप लोगों का, आप कहाँ हो? ये जो पैसा आप लोगों को मिल रहा है, ये जो सामान मिल रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इनको अपने घर लेके जा रहे हो? खुदा का खौफ करो यार, अभी आप लोग देख रहे हो, आप लोगों की वजह से ये सैलाब आया है, आप लोगों की वजह से ये जलीली ख्वारी आया है, मगर आप लोगों की वजह से गरीब बेचारा जलील ख्वार हो रहा है। आप तो हैश कर रहे हो, कुछ तो तुर्की जा रहा है, कुछ तो यूएई में आ रहा है, कुछ तो सऊदी में जा रहा है, मगर आवाम बेचारा जलील ख्वार है। अगर ये जो सामान, ये जो पैसा दूसरी कंट्री, दूसरे ममालिक ने आप लोगों को दिया है, अगर ये सामान, ये पैसा आप लोग सही तरीके से उन लोगों तक पहुँचाएं जो सैलाब के जद में आए हुए हैं, फिर अपने लोगों को नहीं दें, उन लोगों तक पहुँचाएं, तो ये उन लोगों का जिंदगी, उन लोगों का एक दो साल गुजरता यही सामानों से, यही पैसों से उनका नया घर भी बनता है। मगर अभी भी ये जो सामान यूएई ने दिया है, ये सामान उन लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, क्यों? ये भी सवाल है, ये भी बता दें, ये कहाँ जा रहे हैं ये सामान?
और जो अवाम है और जो गरीब अवाम है जो सैलाब की में आए हुए हैं, जो मीडिया वाले हैं सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, एक तस्बीह, एक कटोरा, जाकर भीख मांगो। यार कुछ तो शर्म करो, ये सामान तो दे दो, ये दूसरे ममालिक ने दिया है, दूसरी कंट्री ने दिया है। कसम से यार इन लोगों को देखकर अपने भाई बहनों को जो परेशान हैं, जो कीचड़ों में जा रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, जो पानी बहा के लेके जा रहा है, कितने अभी तक फंसे हुए हैं वहाँ पे। मगर ये जो हमारा सरकार है, ये जो हमारा हुकूमत है, ये नाइल करप्ट। हर कोई आता है वो अपने पेट पालने के लिए आता है, हर कोई सीट में बैठता है वो अपने पेट पालने के लिए बैठता है। यार कसम से रोना आ रहा है। अल्लाह करे ये जो मुसीबत आया है ये ख़त्म हो जाए, ये जो बारिश का सिलसिला अभी तक भी जारी है ये हमारे लिए रहमत बन कर रहे। मगर ये जो हुकूमत है इन लोगों पर लानत भेजी, लानत लानत हो आप लोगों को जो आपके अवाम जलील ख्वार है, आप लोग अपने घरों में ऐश कर रहे हो। ये पाकिस्तान जो ममालिक है, जो हमारा कंट्री है, जो हमारा मुल्क है, ये इस्लामी नाम से बना हुआ है, ये एक मुसलमान कंट्री है। मगर ये जो हमारे हुकूमत है ये मुसलमान नहीं, ये काफिरों से भी बदतरीन। मगर मैं सलाम पेश करता अपने भाई बहनों को जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं।